हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा। आपको पता होगा कि आज की डेट में रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए काफी सारे लोग अपना अपना जो है कंसर्न रेस कर रहे हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स है वो लोग एक हैशटैग के साथ रेस कर रहे हैं। मैं आप सभी बैंक एस्पिरेंट से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो आपके साथ लाइक आईबीपीएस आरआरबी का इशू हो या फिर आपका एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट पेंडिंग हो, उसके बारे में आप जरूर लिखें। केवल सिंपल यही आपको आज करना है, ट्विटर पर जाओ, नहीं है तो अपना अकाउंट ओपन करो और यहां पर जो हैशटैग है, हैशटैग डिक्लेयर एसबीआई प्री रिजल्ट, इसके बारे में अपनी बात करो। दूसरा है हैशटैग आईबीपीएस आरआरबी, इसके साथ अपना जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन इशू हो या फिर जो भी चीज हो वो आप जरूर लिखो, क्योंकि जब तक आप अपनी बात नहीं रखोगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं आएगा। और आज तो बहुत बड़ा मौका भी है, कितने लाखों स्टूडेंट आपके साथ में मिलकर आज ट्वीट करेंगे। और ये जो हैशटैग है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि इस हैशटैग को जरूर लिखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हैशटैग को यूज कर रहे हैं। आपको इन्हीं के साथ में अपनी आवाज को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि देखो जहां पर दोस्तों इतने सारे लोग बैंक के अलावा एसएससी रेलवे के लोग जब लगे हुए हैं, तो आप लोगों को खाली नहीं बैठना है। आप अगर ये सोचोगे कि कोई यार दूसरा आएगा वो हमारी हेल्प करेगा या फिर वो कर लेगा, हैशटैग मैं नहीं करूंगा तब भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि 10-20 हज़ार लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई तक आपकी बात पहुंचे, आपका रिजल्ट पेंडिंग है, फरवरी में एग्जाम हुआ, आपको पता है कि यूपीएससी ने भी अपना रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। अभी यहां पर बात आ रही है कि कोरोना चल रहा है, अरे यार ये कब तक चलेगा कोरोना? कोरोना के बीच में हमें रहना है, एटलीस्ट आप रिजल्ट आउट करो। जिसको मेंस की तैयारी करनी है वो मेंस की करेगा, जिसका क्वालिफाई नहीं होगा वो अपने आगे के एग्जाम प्री की तैयारी करेगा। तो यहां पर दोस्तों एक अच्छा मौका आप सभी के पास है, मैं चाहूंगा कि आप हैशटैग आईबीपीएस आरआरबी लिखो और उनको वहां पर लिखो कि हमारे एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है या फिर फ्लडेड एरियाज है हमारे, तो यहां पर हम कैसे एग्जामिनेशन देने जाए, ट्रेन्स नहीं चल रही है। अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे तो आज तो सारे टीचर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपके साथ मिलकर आए हैं, शायद वो कल ना आए, क्योंकि आज उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। मैं देख रहा हूं कि चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, हर एक एरिया से, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों बातें की जा रही है। तो आप इनके ऊपर अपना अपना कंसर्न रेस करो। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जो एलआईसी का बायोमेट्रिक इशू है, मैं चाहूंगा कि आप एलआईसी बायोमेट्रिक इशू के बारे में भी इसी हैशटैग के साथ लिखें। कल मुझे लगभग 50 लोगों के आसपास में लोगों ने मेल लिखकर भेजा, उन्होंने खुद कहा कि हमारा बायोमेट्रिक फेल हुआ था 89% से, तो हमें आगे फर्दर नहीं कॉल आउट हुआ, कुछ स्टेट में बुला लिया गया, हमारे यहां पर डिवीजन अभी तक सो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो यार वो भी सो रहा है, आप भी सो रहो, जब तक आप इस हैशटैग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे दोस्तों कोई कुछ करने वाला नहीं है, ओके। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको क्या लग रहा होगा कि यहां पर जो कोरोना के बीच में ये एग्जामिनेशन हो रहा है, देखो मैं हमेशा आपको एक चीज बता दूं कि एग्जामिनेशन ना हो, डेफर हो जाए, इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं एग्जामिनेशन हो, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में। एक सब सुन लेना, प्रॉपर अरेंजमेंट, ये आपका बेसिक राइट है। अगर उनका राइट है एग्जामिनेशन कराना, तो हर एक बंदे का एग्जाम भी ना छूटे, ये चीजें उनको एश्योर करनी पड़ेंगी। इसके लिए प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवेट करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों रहेंगी। तो आप इनसे के ऊपर बात करें और जो भी आपका कंसर्न हो रेस करें, ये राइट टाइम है आप सभी के लिए। और मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल का लिंक यहां पर दिया, @mcurrentaffairs, आप लोग प्लीज इस लिंक के साथ में मेरा भी ट्विटर अकाउंट आप नीचे जो है कमेंट में मैं कर दूंगा, आप उस पर जाओ। 11 बजे से लोग ट्वीट कर रहे हैं और लगातार 4-5 दिन तक ट्वीट करना है डेली, और लोगों को इंकरेज भी करो और इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हर एक जगह बात हो रही है एसएससी रेलवे जेईई नीट की, तो बैंक की बात कब होगी, जब हम और आप मिलकर करेंगे। ये राइट टाइम है, मैं चाहूंगा 10-20 हज़ार लोग इस वीडियो को ना ट्वीट करें, कम से कम 50 हज़ार लोगों का टारगेट होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक आप पहुंचाओगे, ये चैन बननी चाहिए, एक लोगों से, दो लोगों से, 20 लोगों के, 40 लोगों के आसपास में, ठीक है। तो जब तक आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दोगे तब तक दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं ट्विटर पर ट्वीट कर दे रहा हूं और नीचे अपना लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप लोग भी ट्वीट करें और नीचे अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, आपको पता होगा कि जब अलग अलग राजनीतिक दल मिलकर एक साथ कहीं पर जाकर चुनाव लड़ लेते हैं, कहीं पर कुछ हो जाता है, तो आज बात होगी, ये नहीं होगा कि भाई एसएससी का बंदा है, रेलवे का बंदा है, आज सब कॉमन है, आपका अपना मुद्दा है इस हैशटैग के साथ लिखो, किसी और का मुद्दा होगा वो भी अपना इसी हैशटैग के साथ लिखेगा, और इसी वजह से आपकी चीजें दोस्तों लोगों तक आएंगी। और ध्यान रखना, लाइक एसबीआई हो गया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया या फिर पीएमओ हो गया, इनको साथ में ट्वीट जरूर करना, ठीक है। और मेरे ट्विटर हैंडल का नाम है @mcurrentaffairs, ठीक है, इससे आपको मेरा ट्विट अकाउंट मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें। बाकी मैंने भी काफी सारे ट्वीट करें, आप उनको फॉलो रिट्वीट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों इस बात को
पहुंचाएं। मैं आगे आपके साथ और आऊंगा, अभी कुछ दिनों के लिए पढ़ाई को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बाकी करंट अफेयर्स का शो डेली आ रहा है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप रुक जाओ, चीजें अगर एक बार आपके भले के लिए अच्छी हो जाएंगी फिर कितनी पढ़ाई करनी है डट के करेंगे ना। अभी अगर चीजें ही ठीक नहीं होंगी, आपको यह भी पता होगा कितने समय पहले कितनी वैकेंसीज आती थी, आज के टाइम पे 1100-1200 हो गई है यार, वो सब चीजें कम होती जा रही है। इसके ऊपर आवाज कब उठाओगे? आज आपके साथ सारे लोग खड़े हैं तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप सोते रहोगे तो फिर दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो इन्हीं के साथ आप ट्वीट करो और बाकी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे फिर मिलेंगे, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।